ब्रेक के बाद जनाब आपको एक दफा पे खुशामदीद कहते हैं। मैंने कहा यार ब्रेक में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आप जब आएंगे तो फिर ही हम ये काम शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं ग्लू और लगेगी इसमें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक तो आसमा रहमान ने जो है एक अच्छा सा टॉस बना दिया, तो मैंने कहा मैं क्यों ना बनाऊं, तो मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बना ही लो। अच्छा इसको प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस तो नहीं करा। अच्छा बस सही है। अच्छा प्रेस करने के बाद उसको दोबारा से जनाब आपको ग्लू लगानी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी सी वैसे तो उस पे ट्रांसपेरेंट लगा रहे होते लेकिन इस वक्त हमें ग्लू मिल नहीं। अच्छा जनाब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन मुसीबत ये है कि हम यहाँ पे काम कर रहे थे, अचानक कोई जो है यहाँ पे चुरा के लेके गया है हमारी ट्रांसपेरेंसी जो ग्लू, तो वो हमें मिल नहीं रही है, इस वजह से हम मजबूर हैं, क्या करें, हमें यही करना पड़ रहा है। तो इसी से भाई जनाब गुजार कर रहे हैं। और यहाँ पे अब इसको सिंपल प्रेस कर दूँ, ज़बरदस्त जनाब ये देखें मैंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन ये कुछ नहीं सही है। अरे यार ये तो छुप गई यार। कोई बात नहीं। अच्छा इसको फ्रंट फेस अच्छा लगाएं। ओहो कोई बात नहीं, चलेंगे भाई, गिर जाती हैं चीज़ें लेकिन अच्छा इसका ये बड़ा फायदा है कि इसको कुछ होता नहीं है। हाँ, इसको इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है भाई इस तरह पकड़ते हैं, आपको गलत आता है। और अब एक सही पकड़ा है, सही पकड़ा है मैंने, चलो भाई ज़बरदस्त सही पकड़ा है। और अब हम इसमें क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, इसमें ये करें। अच्छा इसमें कौन सी ग्लू इस्तेमाल करनी होती है जो ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे कहा जाता है कि नग जब लगता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है। और आप क्यों भाई इस तरह बैठी हुई हैं जनाब, आप भी तो कुछ काम वाम शाम करें। मैं आपको वही बता रही थी, देखें जब हम ग्लू यूज़ कर रहे होते हैं ये ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है, ठीक है ठीक है। इसके बाद जो है ना अगर आपके ऊपर जैसे आ भी जाए तो आप एक कॉटन बड्स अपने साथ रखो, और फटाफट अगर आप समझ रहे हैं कि इस पर आ गया है ना तो आप इस पर उसको कॉटन बड से इस तरह करके साफ़ कर लें तो वो आपका जो है वो अच्छा वो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं, मैं मेरे ख्याल में एक और हाँ, पूरा सेट जो है यहाँ पे बना देना चाहिए जनाब, सेट ज़रूर बनना चाहिए क्योंकि एक पीस का जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये अभी एक इयररिंग्स का फैशन तो नहीं आया और एक इयररिंग का क्या भरोसा जनाब आप खवातीन का कि एक इयररिंग का भी फैशन हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा होगा, अब बचत ज़रूर हो जाया करेगी, क्या ख्याल है? बचत नहीं होगी, क्यों ज्यादा खर्चा हो जाएगा फिर, तो फिर ज्यादा लेने पड़ेंगे ना। ज्यादा क्यों लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, कभी ये इस कान में पहन लिया कभी दूसरे कान में पहन लिया, ये ज्यादा सही नहीं रहेगा क्या? तो जनाब ये देखें फैशन में जो है जिद्दत आ रही है, लेकिन अभी इतनी जिद्दत नहीं आई है आसमा रहमान के मुताबिक कि जनाब एक कान में ही सिर्फ इयररिंग पहना जाए, दो कान दे दिए हैं जब अल्लाह ताला ने, तो उसका कोई फायदा उठाना चाहिए, दोनों को ही सजाना चाहिए। और ये देखें हम दूसरा भी मैंने कंप्लीट यहाँ पे, आसमा आपको तो यही नहीं पता कि मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, कंप्लीट तो मैंने किया ही नहीं। कैसे अभी आपने स्टोन नहीं लगाया? हाँ मैंने स्टोन तो लगाया नहीं जनाब, और स्टोन का लगाने का अमल जो है वो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि जब आप पीछे से प्रेस मेरा ख्याल में करते हैं तो ग्लू ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। इसके बाद आपने ग्लू, और ये देखें जनाब अच्छे तरीके से हमारा टॉप रेडी हो गया, और इसको हमने इस तरह करके ड्राई करेंगे, ड्राई कर दिया। अच्छा ये ड्राई कितनी देर में हो जाता है? 3 to 4 hours में आराम से ड्राई हो जाता है। अच्छा उसके बाद ये ख़राब तो नहीं हो जाता कि ख़राब हो जाए या कुछ इसको प्रॉब्लम हो जाए? अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह ड्राई करके रखेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स आती हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ड्राई भी नहीं करती हैं, बॉक्स में रख देती हैं। आपको पता है जहाँ जिस चीज़ में नमी होगी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा डो को नमी से दूर रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका कहना है? नहीं, ड्राई होने के बाद आपको फुल ड्राई करना है उसे, हल्का सा अगर उसमें नमी भी होगी ना तो वो चीज़ सही नहीं है, उससे डो में फंगस आ जाएगी। और अगर कोई और चीज़ आपकी बेस वगैरह मेटल की होती है आपको पता है उसमें जंग आ जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ बनाएं उसको तकरीबन एक दिन या दो दिन आप उसको ड्राई करें, अच्छी तरह फ़ैन के नीचे रख दें, मलमल का कपड़ा डाल के डस्ट भी ना आए और वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल में अब बहुत देर हो गई है, हमने कॉलर की तरफ भी जाएंगे, और जैसे ही हमें कॉलर जो है उनको थोड़ा सा इंतज़ार कराना पड़ता है जनाब, इतनी जल्दी जो है अगर हम कॉलर्स को ले लें तो फिर मज़ा क्या आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे आसमा साहिबा ने जो किए, अच्छा ये मैचिंग है, क्योंकि आप जो है जब नॉर्मली आप मार्केट जाते हैं तो आपको सेम मैचिंग जो है वो नहीं मिल रही होती है। इसमें ये होता है कि हम ट्रांसपेरेंट डो बनाने के बाद जो है हम अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर ऐड, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो हमें फैब्रिक देते हैं या जो भी है वो देते हैं दुपट्टा या जो शर्ट होती है, तो हम उसकी मैचिंग से जो है वो कलर बनाते हैं और फिर वो हम यूज़ करते हैं।
अच्छा ये मुझे बताओ आसमक, ये कितना आप रख लेते हैं कि एक ही दफ़ा बना के ये तमाम चीज़ें रख ली ताकि फिर जब जी चाहे आप बना सकते हैं? अब जैसे ये फ्लावर्स हैं, ये सारे फ्लावर्स जैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं बड़े और छोटे, आपने फ्लावर्स जो हैं ये सारे फ्लावर्स कितनी देर में बने? ये जो है सारे जो आप कलर देख रहे हो ये सारे ऑर्डर के हैं, जो हम हमारे क्लाइंट होते हैं वो हमें कलर दे रहे होते हैं, तो ये हम ट्रांसपेरेंट डो बना के रखते हैं और हम जो नॉर्मली कलर होते हैं वाइट रेड ब्लू जो जो चल रहे होते हैं हम वो कलर बना के रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही कलर होते हैं, उन्हीं की डिमांड आती है। लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं कि वो दो तीन कलर मिक्सिंग करने के बाद बनते हैं, तो हम ये डो जितना पुराना होगा ये उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। लेकिन एक और भी तो हो सकता है ना कि आप पहले से बना के बहुत सारे आप रख लें और फिर आपके लिए आसानी ज़्यादा हो, क्या पता कि जो आपका क्लाइंट है वो क्या डिमांड करेगा आपसे। लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल में नुकसान वाली तो चीज़ नहीं है, वाली बात नहीं होती। लेकिन ये भी होता है बना के भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आप ये काम करें ना कि नॉर्मली आप रेड बना लो, वाइट बना लो, पिंक बना लो, ये आप बना के रख सकते हैं। यानी कि जो मेन जो मेजर कलर्स हैं कि ब्लू ग्रीन वाइट, जैसे ब्लू कलर बहुत इन है, सारे शेड ग्रीन के सारे शेड इन है, तो आप वो बना के रख सकते हैं, लीव बना के रख लें, आप फ्लावर्स बना के रख लें कभी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन इनको ट्रांसपेरेंट शॉपर में रखना ज़रूरी है, ये डस्टी ना। अच्छा दूसरा ये है कि यहाँ पे इनको आराम से धोया भी जा सकता है, हालांकि इनके पीछे मेटल होता है उसके बावजूद भी इनको धोया जा सकता है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जो हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं हम उसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एक ब्रश से ही आप एक ब्रश ही मारेंगे ना हल्का सा, उससे ही आपके जो है ये सब चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इस पर आप इसको ज्वेलरी को वॉश करने की ज़रूरत नहीं, हाँ जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो आप वॉश कर सकते हैं। हवा की बेटी ने जो है कॉल कर लिया और नाम भी उनका हवा है, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, इतनी ज़बरदस्त क्लियर आ रही है। जनाब कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम हवा? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और अस्मा को मैं काफ़ी टाइम के बाद देख रही हूँ, 4-5 ईयर्स पहले देखा था मैंने इनको। अच्छा मैं बिल्कुल अस्मा की फैन हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों का ज्वेलरी का काम देखा है, लेकिन इतना डेलिकेट और इतना नीट मैंने किसी और का नहीं देखा। ये सब आपकी मोहब्बत है। मैं 4-5 तो ये हवा की बेटियां जो है आप देख रही हैं कि इतनी ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं आप भी कोई ऐसा काम कर रही हैं हवा? दो वक्त का थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। क्यों ज़्यादा क्यों नहीं कर रही, इतना ज़्यादा पसंद भी आ रहा है आसमा से? बल्कि मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट आसमा से बात करें, क्या कहना चाहेंगी उनसे? आसमा जितना नीट काम मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप लोग पहले ही बोल देते हम ये काम नहीं कर सकते, आप कोशिश तो करें, क्यों नहीं कर सकते? कोई काम हर में दुनिया में नामुमकिन नहीं है अगर देखा जाए तो। ओके, बस थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है सर, मैं थोड़े से लोग जान चुराते ना कि इतनी हार्ड वर्किंग कौन करे, लेकिन करनी चाहिए। इतनी डेलिकेट इतनी नीट होती है, उसको देख के ही बस दिल भर जाता है। आपको अगर देख के दिल चाहता है ना, तो आप कोशिश करें कि मुझसे अच्छी बनाने की कोशिश करें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी में चैलेंजेस लेने की बहुत जरूरत होती है। दोबारा बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो रही है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल इंस्पिरेशन हो रही है। दूसरी चीज़ बात ये होती है कि थोड़ी सी प्रोफेशनल जेलेसी का एलिमेंट अपने अंदर डेवलप करें। जब प्रोफेशनल जेलेसी आपके अंदर डेवलप होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप काम भी बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि ख़वातीन का जो मसला होता है वो जेलेसी जो है दूसरी तरफ से ज़्यादा रखती हैं, इन कामों में ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी मुझे ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं होती है, लेकिन शायद मैंने नहीं देखी क्योंकि आज के लोगों के पास अब इतना भी टाइम नहीं है। ठीक है आसमा, ये ज़रा ये मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो है डो की ज्वेलरी को आप क्लचेस के ऊपर कितना खूबसूरती कर रही हैं, ज़रा उनको ये भी आइडिया दे दें। अच्छा देखिए, मैंने इसमें ये मैंने प्लेन जो क्लचेस है ये बनवाए, ठीक है ना, इसकी फिर मैं मेकिंग करवाने के बाद मैंने इस पर अरेंजमेंट करा है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने इसमें डो के फ्लावर के साथ इसमें जो पर्ल्स जो आपका मोती और कट दाना जो होता है जो एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है, वो मैंने उसके फ्लावर्स बनाने के बाद वो भी यूज़ करा है, क्योंकि ज़्यादातर जहेज़ और भरी में इस तरह की जो चीज़ होती है वो दी जाती है, तो कुछ लोग जो बाज़ार में कुछ बहुत ही ओवर हो जाते हैं, वो तो पूरे स्टोन्स लगे हुए, ये बहुत थोड़ा सा मैंने लाइट करा है, यानी कि डेलिकेट ज़्यादा पसंद किया जाता है। हाँ कुछ लोग पता नहीं, शायद हर बंदे की अपनी अलग चॉइस होती है, कुछ को बहुत हैवी चीज़ें पसंद होती है, किसको बहुत लाइट चीज़ पसंद होती है, शायद ये इंसान की फितरत होती है। अच्छा तो हवा की बेटी को भी कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जनाब आपकी तरफ से क्या मिल रहा है इनको, सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है? अब मैं सर अब बता दूंगी तो फिर वो सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा, जब उनके पास जाएगा वो खोलेंगे, फिर उनको जब पता चलेगा कि क्या है।
चलें जनाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अब मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ एक और भी यहाँ पे एक चीज़ थी, उसके बारे में मैं चाहूँगा जल्दी से बता दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुके बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, उस बुके के अंदर जो, अच्छा ये ब्राइडल बुके, जी जी ये तो छोटा सा है जो वहाँ आपने देखा है उसमें वॉल्स में रखा हुआ, वो बुके बड़ा है, ये मैंने ऐसा छोटा ही बनाया हुआ है। ये रिबन से बने हुए, देखें डोर, आप कह रहे हैं डोर, डोर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से हर चीज़ बन सकती है। अच्छा जी, अगर आपकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर तो आपको बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये ऐसे ही वॉशेबल भी है, ठीक है, ये रिबन्स के फ्लावर, वॉशेबल तो खैर ये डोके फ्लावर्स भी है, लेकिन ये रिबन्स के फ्लावर्स है, ये मैंने बुके बनाया डोके फ्लावर से भी बनता है, हर बंदे की अपनी, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाए, बहुत लाइट 19-20 फर्क होता है, इतना नहीं होता क्योंकि आपने इनके फ्लावर्स को देखा है कि इतना वेट इनका नहीं होता है। लेकिन डिपेंड, कुछ लोग डोकी चीज़ें पसंद करते हैं, उन्हें कोई और चीज़ पसंद नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं उनको रिबन्स के पसंद, क्योंकि आप नॉर्मली बुके देखें तो रिबन्स के ही होते हैं, तो आप रिबन्स के भी बना सकते हैं और आप डोके भी बना सकते हैं। ठीक है जनाब, आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसमान रहमान, आपने हमें जो है इतनी अच्छी अच्छी जो है टिप्स दी। ये हमारे CNBC पाकिस्तान की तरफ से एक छोटी सी वॉल क्लॉक है जो आपको हम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में अब वक्त हो गया जाने का, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं मैं, मज़ीद कुछ और भी, बिल्कुल वक्त गुजरने का पता नहीं चला, और मैं ज़रा थोड़ी सी और ट्रेनिंग लूँगा। आप जाइए और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।